चर्चा में आए अतीक अहमद और उस मामले में आरोपी उनके बेटे का आज एनकाउंटर हो गया है। इसके बाद ही योगी सरकार पर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कहा है कि फेक एनकाउंटर है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सवाल उठा दिए हैं, तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर आम जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा इकबाल सिंह नाम है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, क्या कहना है कि सही हुआ है गलत हुआ है? बिल्कुल सही है। जो इंसान अपने इंडिया के लिए या अपने स्टेट के लिए नहीं कर रहा है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है अपने स्टेट के लिए, तो उनको बिल्कुल भी जीने का हक है ही नहीं। क्योंकि हम पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटी के साथ और अपना वेलफेयर देख के सोसाइटी का वेलफेयर के लिए हम जी रहे हैं। उनके अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली को सिक्योर कर लो, दूसरे की फैमिली में डर पैदा करो, इससे अच्छा तो भाई तुम चलते बनो। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा है कि फेक एनकाउंटर है, तो अखिलेश यादव के पास ही होंगे वो। क्योंकि अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, तो जाहिर सी बात है जिसका एनकाउंटर हुआ वो उनके पास ही होंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान किया, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो सही कर रहे हैं इस पूरे मसले, क्योंकि तमाम तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है? देखिए, पहला तो योगी जी, सेकेंड मोदी जी, दोनों ही एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब तक यूपी का कुछ भी नहीं हुआ, एंड नाउ यूपी एक हाई पीक पॉइंट पे जा रही है डेवलपमेंट के तरफ। तो इसके बीच में जो भी हर्डल्स आएंगे, जो भी गैंगस्टर्स है या जो भी लूटपाट वाले सब है, उनके बीच में उनको हटा देना, हर्डल्स को क्या हम करते हैं, रेडिकेट कर दे, तो उनको हट जाना ही सबसे बेस्ट है। उनको रहने का या रखने का कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है। सोशल में कौन रहता है, जो सोसाइटी के और ह्यूमैनिटी के थोड़ा काम आए वो ही रह सकते, बाकी किसी को रहने का तो कोई हक है नहीं। आप भी अगर गैंगस्टर रहते या हम गैंगस्टर रहते, फिर हमको भी रहने का कोई हक। चलिए, जनता का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी इस तरीके का काम करता है उसे रहने का हक नहीं, कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है भैया? सौरभ राजपूत। अच्छा, ये बताइए कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो एक सख्त प्रशासक के हाथ में है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अभी एकदम सुधर जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो जो चीज़ गुंडा राज के साथ साथ जो जो चीज़ें उनने गलत, करप्शन बहुत कम हुआ है। क्योंकि हम देखते थे भाई करप्शन की चीज़ हिसाब से कभी किसी ने कुछ काम करा दिया लेकिन कुछ काम नहीं मिला, किसी का शोषण हो रहा है, कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश। लेकिन अब वो चीज़ जो जब से योगी जी के हाथ में आई है, तो उत्तर प्रदेश का शासन उसने अच्छे से चलाने की कोशिश की। पहले हमारे पास हमें मालूम है हम किस तरह मनाते थे, जो तो थोड़ा बहुत शिरडी साईं बाबा तो थोड़ी बहुत रामनवमी को लिए हमको देखे गए थे। लेकिन अब जो अयोध्या में जिस तरह अब ये जो 5-6 सालों से जो हम रामनवमी मना रहे हैं, वो उन्हीं के वजह से हुई है। चीज़ें अतीक अहमद के बेटे पर कार्रवाई हुई है, लेकिन दर्द अखिलेश यादव को क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, मायावती भी यही कह रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रही हैं, जनता क्या कहती है? जनता इस हिसाब से जानती है कि अब अगर पक्ष ने कुछ काम किया है तो विपक्ष उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से अपने हिसाब से उसको फेक बताने की कोशिश करे या फिर अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ करने की कोशिश करे। ये फायदा किसका हो रहा है? ये फायदा अगर जनता को सबसे ज़्यादा हो रहा है तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी किसी का फायदा हो नहीं हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो रहा है इस चीज़ से, अगर वो बहुत बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ी गैंगस्टर है मानते हैं, लेकिन वो कैसा गैंगस्टर था? वो अच्छा गैंगस्टर था नहीं था? उसके साथ उसके बेटे के वजह से, उनके पिता के वजह से कितनी बार सरकार भी बनी है, तो सरकार बनी है, सरकार बिगड़ी है, लेकिन वो सरकार जो चला रही है वो सरकार जनता को कितना फ़ायदा करती है? तो ये जो चीज़ें हैं, अगर एनकाउंटर हुआ है और वो बुरा था, अगर वो जितना अगर मैं जान सकता हूँ कि योगी जी अगर अपने फ़ायदे के लिए जल्दी कुछ चीज़ नहीं करते, वो जनता का फायदा सबसे पहले देते। बात यही है कि अखिलेश यादव जैसे लोग अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो समझ में ये आ रहा है कि वो उसके पक्ष में चले, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इस हिसाब से भी हो सकता है कि अगर वो उनके पक्ष में गए हैं तो ये सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि हमको योगी जी के विपक्ष रहना, हमको बीजेपी के विपक्ष रहना, हमको योगी जी के विपक्ष रहना। जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो योगी जी थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें मानते हैं यार सब अच्छा काम करने में ना,
कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, हर गलती में, हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या अखिलेश जी आए थे तो उनसे नहीं हुई थी गलतियां, योगी जी आए हैं गलतियां हो रही हैं, मान रहे हैं, लेकिन वो गलतियां कितना इफेक्ट कर रही है आपकी जनता को, माफ वो कितना इफेक्ट कर रही है जनता को, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, माफियाओं के मन में जो डर और भय का है माहौल है, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को और दिनों तक रखना चाहिए सीएम के तौर पे, तब पूरे तरीके से यूपी से माफियाओं का सफाया? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ जैसे जो जो काम जो कहा था ना अमित शाह ने कहा था ना कि जान दे देंगे हम इसके लिए, तो वो चीज़ मेरे को योगी जी में दिखती है, वो जान दे देंगे, लेकिन लेकिन यूपी का भला करके रहेंगे, यूपी की जनता का भला करके रहेंगे, वो सबकी सबको यूपी को आगे बढ़ा के रहेंगे। तो ये चीज़ योगी जी के चेहरे से, हाव भाव से, उनकी बातों से, उनके विचारों से ये चीज़ झलकती है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जब तक वो सीएम बने रहेंगे, ये जो गैंगस्टर के साथ जो बहुत कितने लोग बहुत करप्शन और ये सारी चीज़ करके जा रहे थे ना, वो चीज़ कर जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आम जनता की इस मुद्दे पर अलग अलग राय है, और अतीक कामत के बेटे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है अब उत्तर प्रदेश में, इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है, विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रही है, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है कि मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, और आज यही हुआ, और इसकी पहली शुरुआत जो है वो अतीक अहमद के बेटे से हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में वो फरार चल रहा था, एसटीएफ ने कार्रवाई की है और उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अतीक अहमद जो जिसकी लगातार कोर्ट में पेशी चल रही है उसकी भी खैर नहीं होगी, ऐसा सरकार में तमाम तरह के मंत्रियों का ये कहना है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक अतीक अहमद यूपी पुलिस की गिरफ्त में पूरे तरीके से फंसता है।